जो अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है एमनेस्टी स्कीम फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स 2022, इसमें क्या है कि जिन लोगों के जिन कंज्यूमर्स के डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं और काफ़ी ह्यूज एरियर्स जो उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं जो लोगों ने जमा नहीं किए हुए हैं उनको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है एमनेस्टी स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो इंटरेस्ट है अप टू 31 मार्च 2022 तक वो इंटरेस्ट 100% वेव ऑफ हो जाएगा और उसके बाद इक्वल 12 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करने की पैसा जमा करने की एक गाइडलाइन दी गई है। तो हमारी पीडीडी की पूरे कंज्यूमर्स को जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनके ज़्यादा एरियर्स पेंडिंग है उनके आगे ये अपील रहेगी कि इस स्कीम का बेनिफिट लेते हुए अपने सारे एरियर्स जो हैं वो ख़त्म करके अपने आप को रिलीफ दिलवाओ और डिपार्टमेंट की भी हेल्प करो और अपने एरियर्स ख़त्म करो। किस तरह से बिल ये आएगा और किस तरह से लोगों को भुगतान खत्म कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक तो रेगुलर बिल चलेगा जो 2 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स, जो 31 मार्च के पहले पहले जो बिल था जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ था वो इंटरेस्ट वेव ऑफ करके एक अलग से आईडी लग जाएगी और एक बिल निकल जाएगा उसी कंज्यूमर का, एक रेगुलर बिल और एक एमनेस्टी वाला बिल जिसको हम बोलते हैं एमनेस्टी बिल्स। एमनेस्टी बिल के अंदर आ जाएगा आपका भी आपको वेव ऑफ करके इंटरेस्ट वेव ऑफ करके अभी आपका टोटल अमाउंट इतने पैसे बचा है, मान लो किसी का 1,00,000 रुपया पहले एरियर था अब उसको एमनेस्टी का बेनिफिट दे करके उसको अब बच गया है 65,000 या 70,000 रुपया, तो लिखा जाएगा कि आप टोटल आपका बैलेंस जो है 70,000 रुपया है और आपकी 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएंगी। तो आप हर मंथ की चाहे तो आप एक ही इंस्टॉलमेंट भी जमा कर दो, दो में कर दो, लेकिन मैक्सिमम जो है आप 12 इंस्टॉलमेंट्स का गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है कि विद इन 1 ईयर आप ये पूरे एरियर्स जो है वो बैंक्स में जमा कर करके अपनी इस स्कीम का बेनिफिट लो और अपने एरियर्स को ख़त्म कीजिए। बिल कैसे पे कर सकते हैं? बिल पे करने का अभी ऐसा है कि जैसे हमारा जो रेगुलर बिल हम पे कर रहे हैं जो हमारा रेगुलर बिल बिजली का बिल वो तो हम ऑनलाइन प्रोविजन है, बिल सहूलियत ऐप भी है, एम पे से कर सकते हैं या गूगल पे से जैसे भी किसी को कन्वीनियंट लगे। तो एमनेस्टी स्कीम का भी कल ही एक रिव्यू अपने एमडी सर ने जेपीडीसीएल एमडी सर ने मीटिंग ली है तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था कि सर इसका बिल पेमेंट का क्या प्रोविजन रहेगा, तो उन्होंने भी ये कहा है कि अभी ये सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस है क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज बैंक पे जमा करने की बात हो रही है कि जो एमनेस्टी वाला पैसा है वो एक सेंट्रलाइज बैंक किसी एक बैंक में अकाउंट खुल जाएगा सेंट्रलाइज पे जहाँ पे सारे लोगों का पैसा उधर ही जमा होगा। तो दैट इज़ अंडर प्रोसेस, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो चीज़ सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि भाई वो पेमेंट का क्या उसका रहेगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।